आते हैं और हम लोग अंदर रूम में जो मंदिर रूम जिधर गणपति है बाकी सारे वहाँ पर हम लोग विसर्जन बाहर करते हैं, पूरा पॉन्ड बनाते हैं, उसको सजाते हैं फूल से और वहाँ पे हम लोग गणपति को डुबकी लगाते हैं 3 बार और फिर हम लोग वापस बाहर रख देते हैं और फिर हम लोग 2-3 महीने के लिए ढक के रखते हैं मूर्ति और दिवाली के बाद वापस हम लोग दर्शन के लिए वो मूर्ति को रखते हैं। टोटल कितनी मूर्तियाँ आप अपने घर में रखे हो? वैसे तो गिना नहीं है, सब लोग वही पूछते हैं पर हम लोग 200 से ज्यादा तो मूर्ति है, सब आते हैं, सब लोग खुद गिनना चालू हो जाते हैं। तो किस तरह का माहौल रहता है ये 11 दिन, किस तरह का क्या कुछ करते हैं आप लोग? तो एक पूरा एनवायरनमेंट अलग ही हो जाता है, जो बापा आते हैं सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड्स फैमिलीज नेबर्स सब बिल्डिंग में आजू बाजू वाले सब लोग और उल्लास हो जाता है सब जगह, एकदम ढोल डीजे सब और बापा के आने से तो ऐसी इतना रौनक छा जाती है कि पूछो ही मत। मम्मी पापा का क्या श्रेय मिलता है आपको? तो मम्मी पापा का तो फुल सपोर्ट है, हर साल हम लोग लेकर आते हैं और हर साल डेकोरेशन में मदद करते हैं। मैं सब बताता हूँ, मेरा आइडिया ये थीम ये, बस आपको मेरे साथ रहना और मेरा मदद करना है सब करने में। सर आपका क्या कहना है कि कृष्णा जी ने आज 14 साल से मूर्ति आप सब इसकी भावना है, इसकी भावना के हिसाब से इसके गणपति को समर्पित है पूरा का पूरा। जब ये छोटा था कृष्णा तब से मूर्ति बैठाया जा रहा है? जब ये छोटा था तब गणपति को देखता था तो इसके मन में होता था मैं भी इसकी सेवा करूँ, तो उसी तभी से ये सेवा में उसका लग गया। उसके लिए गणपति इसके दूर करना बहुत वो है, सब बोलते इतना गणपति नहीं रखना चाहिए लेकिन ये गणपति को इसके लिए रखता है, बोलता है गणपति को भगवान को ठंडा करने के लिए उसको स्नान कराया था, नहीं कि उनको भेजने के लिए कराया था, तो इसके लिए मैं मेरे गणपति का विसर्जन नहीं करूंगा, जितना दिन मेरे से होता है उतना मैं सेवा। कृष्णा की एक खासियत बात है कि जब उसको गणपति देखना होता तो वो ट्रेन से सफर करता है, ट्रेन से सफर करता है, मुंबई के सब गणपति दर्शन करता है, ये किधर के भी हो सब पूरा, जब से 3 महीने पहले है वो तब से चालू हो जाता है जाना पहुँचना उधर सब जगह का। जो गणपति आप घर में रखे हो कब विसर्जन किया जाएगा? वो विसर्जन नहीं किया जाएगा, वो जो भी इसकी इच्छा होगी तभी होगा, बोलता रिद्धि सिद्धि घर में ही रहनी चाहिए। इस बार क्या रूप लाए भगवान का? ये बार अर्धनारेश्वर रूप लेके आए, इसने पूरा थीम बनाया, 40 मिनट्स की पिक्चर बनाई है, उसके ऊपर इसने हमको लास्ट में दिखाया फर्स्ट डे कि यहाँ भी मैं इसके लिए डेकोरेशन आउट किया, उससे पहले मैंने 40 मिनट्स की मूवी बनाई है और पूरी मूवी में हम लोग ने कहानी दिखाई कि अर्धनारेश्वर स्वरूप कैसे आया और उसके बाद हम लोग ने डेकोरेशन रूप क्यों रखा, शंकर भगवान पार्वती ने अर्धनारेश्वर रूप गणेश भगवान को साथ में लेके। कृष्णा की मम्मी इस बार नया स्वरूप देखने को मिला है, जिस प्रकार से पार्वती और शंकर भगवान और गणेश भगवान
तीनों जन साथ में है, घर में आपके विराजमान है और 14 साल से बताया जा रहा है, क्या कहना है? एक्चुअली ये बार जो इसने थीम लाया है ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि अर्ध नारेश्वर हम लोग तीन ही जन है, मम्मी पापा बेटा, तो हमको लगता है जो ये मूर्ति लाई है वो इसने हम ही को तीनों को समर्पित कर दी है। और गणपति आप देखेंगे तो कैसे भगवान की गोदी में बैठे, भगवान जी कैसे शिव पार्वती की मूर्ति में बैठे, तो हम यही चाहते हैं जैसे गणपति अपने मम्मी पापा का सेवा करता है, प्यार करता है, वैसे आजीवन हमारा बेटा कृष्णा भी हमको वैसे ही प्यार करे। जब अपना बेटा खुद गणपति बैठा के सारी गणपतियां घर में रखता है कैसा लगता है? अच्छा भी लगता है, मगर कभी कभी ऐसे नहीं कि गुस्सा नहीं करते, क्योंकि थोड़ा जब पूजा पाठ होता है तो थोड़ा एक बार अड़चन आती है, मगर फिर बाद में फिर से थोड़े नॉर्मल होकर खुशी होते हैं, इसी बहाने भगवान की सेवा तो कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो घर में अलग फैमिली के लिए अलग अलग घर है, पापा के लिए भी आपने एक अलग घर बना के रखा है। एक्चुअली वो मंदिर रूम था, फिर पापा ने बोला आपने मंदिर रूम बोला तो अभी आपके घर पे तो आना ही है, तो कृष्ण के थ्रू पापा हमारे घर आने लगे और आरती हमारी सोसाइटी में भी गणपति जी के बहुत बड़े रूप में प्रोग्राम होते हैं, वहाँ देख के इसको बहुत प्रोत्साहन मिला और घर पे पंडाल बनाता है और 1 घंटे की मराठी आरती गाता है। सारे महाराष्ट्र में विसर्जन होता है, मगर आपके उधर विसर्जन करने के बाद आपके घर पे रखते हैं, उसके पीछे आपका क्या इच्छा है? मेन जैसे इसके पापा ने इसको सिखाया है कि विसर्जित इसलिए नहीं किया जाता कि आपको डुबकी लगा के गणपति जी को भेज देना है, विसर्जित इसलिए कि जब वैद्य लिखे थे गणपति जी तो बहुत उनके बॉडी में हीट हो गई थी, तो उनको ठंडा देने के लिए उनपे उनको डुबाया जाता है कि वो थोड़ा शांत हो जाए, और आपको डुबाना नहीं है गणपति, खाली शांत करना है पानी के छिड़के देके, इसीलिए हम खाली पानी के छिड़के देते डुबाते हैं, फिर से अपने घर पे रख के फिर से वही रूप से हम पूजा पाठ करते हैं गणपति जी। 11 दिन का क्या माहौल रहता है जब गणपति को गणपति जी आते हैं? तब तो जैसे घर पे बहुत खुशहाली है, तो नो डाउट थोड़ी मेहनत भी होती है, थोड़ी थकान भी होती है, मगर उसके आगे जो उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है वो तो यू कैन नॉट बिलीव, जो हमको फील होता है वाइब्रेशन, हर हमारे मनोकामना जो हमने कितनी साल की सोची रहती है 11 दिन में काफी मनोकामना पूरी हो जाती है, और जिससे हम कभी नहीं मिले वो मेरा स्टेटस देख देख के दर्शन करने आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं हमको पता भी नहीं होता कि उन लोगों के दर्शन करने आ रहे हैं, और हम लोग के घर पे तो अलग ही 11 दिन का माहौल बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाता है।